इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौराई के झिलमिली डीपी मिश्रा स्कूल में तिलक लगाकर स्कूल आने पर विद्यार्थियों के साथ अभद्रता होने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। जबकि इस मामले में शिक्षकों का कहना था कि उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए छोटे बाल कटवाने और हाथ में कड़ा पहनने से रोका था, लेकिन इस मामले को दूसरी तरह से तूल दिया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी को तिलक लगाकर स्कूल आने से नहीं रोका गया है। टीका लगा के आया था तो मैम ने को दो दिन तक के मना की और तीसरे दिन मेरे को पकड़ के यानी कि पीछे से मारी थी। टीका लगा के मत ही आना और ये हाथ पे मैंने राम मिटाने के लिए बोली थी। मैंने थोड़ा सा रिजल्ट चलाया थे तो मेरे पापा मम्मी आके बोल रहे थे मेरे को कि मत ही चला बोले, कुछ नहीं होता बोले। चाहे छठवीं सातवीं क्लास में पढ़ता है, नौवीं क्लास में पढ़ता, वहाँ एक खान मैडम है, जिस खान मैडम ने यह बोली कि ये तिलक क्यों लगाया जाता है और तिलक के साथ साथ इस बच्चे के हाथ में राम श्री राम का गुदना है, उन्होंने यह बोला कि यह गुदना मिटना चाहिए। सर इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं है, ना ही मैंने कभी बच्चों के साथ मारपीट करी हूँ, ना ही मैंने कभी उनको तिलक लगाने से मना करी हूँ। और जो बच्चा वीडियो में बोल रहा है उसको मैंने आज तक देखी भी नहीं हूँ। पहली बार मैंने उसको अभी तक मेरी क्लास में नहीं देखी हूँ, उसका एडमिशन मेरी क्लास में नहीं हुआ है और उसको मेरा उस बच्चे को मेरा पूरा नाम भी नहीं पता है। आप उस बच्चे को उसे बुलाकर पूछ सकते हैं। अनुशासन के तहत हमने उसे बाल के लिए टोका है, कड़े और नॉर्मली उन चीज़ों के लिए टोकते हैं जो स्कूलों में हम नहीं चाहते कि बच्चे पहन के आएँ, बस यही बात थी। उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्सनल इशू बना के इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये कहना चाहूँगी मैं तो। मैंने इस बात के लिए कभी उस बच्चे को बोला नहीं, बच्चे को सामने खड़ा कर दीजिए मेरे सामने। हाँ, ना उसके तिलक लगाने के लिए मना किया, ना उसको गुदने को देखा मैंने आज तक। स्कूल में इस तरह की कोई पाबंदी है क्या? नहीं सर, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सर, भविष्य में अगर वो बच्चे तिलक लगा कर आते हैं तो क्या उन्हें स्कूल में कार्रवाई कुछ की जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बच्चे बोलते तिलक लगा के आते हैं, अच्छी बात है, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिक निगम को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ की तरफ से 5 टैंकर पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय में इन टैंकर्स को हरी झंडी दिखाकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा रवाना किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, महापौर विक्रम आहके, जल प्रदाय विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भी मांग शहर की जनता के द्वारा आती है उसको तत्काल हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सुनते हैं और निराकरण करते हैं। अभी आगामी समय में भी जब भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमें आश्वस्त किया है कि पानी की किसी प्रकार की समस्याएं शहर की और ज़िले की जनता को नहीं जाएगी। जो माननीय कमलनाथ जी से मांग की गई थी कि हमें टैंकर की आवश्यकता है, मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को कि इनकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी ने अभी 15-20 दिन पूर्व, एक महीने पूर्व 5 टैंकर नगर निगम को भेंट किए थे और अभी आज 5 टैंकर और दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद नकुलनाथ जी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शुद्ध जल पहुंचे, समय पर पहुंचे। जहां जहां से कमी की उनको आवाज़ पहुँचती है, जानकारी मिलती है, तो निगम की मांग पर वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए भी टैंकर दिए। कलेक्ट्रेट के सामने दो गुटों में दोपहर को विवाद हो गया। मारपीट की घटना देख क्षेत्रवासियों के द्वारा कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल पहुंचकर मारपीट करने वाले उपद्रवियों को थाने लाया, जहां पर उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। भैया वो दो लोग वहां से दौड़ते हुए आए, वहां से उनके पीछे दो लोग और दौड़ रहे थे, उनमें से एक को उन्होंने पकड़ लिया, वहां पे एक को ग्राउंड के अंदर लेके आए, उसको अच्छे मारे मुरे उन लोगों ने, सरर खोले और एक को फिर उधर साइड से पकड़े उन्होंने बाहर तरफ से, उसे पकड़े थे, फिर सब लोग ग्राउंड में आए, फिर पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने मामला शांत करवाया और लड़कों को थाने पहुंचाया। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री की छिंदवाड़ा में बहुप्रतीक्षित कथा सिमरिया में 4-7 अगस्त तक होना है। वे यहां हनुमान कथा तो सुनाएंगे ही, दरबार भी लगाएंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावनाओं को देखते हुए आयोजन स्थल पर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर धाम से पंडित जी के प्रतिनिधि सिमरिया हनुमान मंदिर के पास होने वाले आयोजन स्थल का 2 बार मुआयना करके आ चुके हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है। ध्यान रहे ये पंडाल
6 एकड़ यानी लगभग 2.5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजन स्थल से कुछ दूरी पर रखी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पार्किंग स्थल के लिए भी बड़ा क्षेत्र इस्तेमाल किया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ यह आयोजन करा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश भर से उनके समर्थक नेता विधायक पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि के यहाँ आने की संभावना है। संत श्री बागेश्वर धाम जी का आगमन होने जा रहा है। कथा के पूर्व 4 तारीख को कलश यात्रा है, जिसमें मात्र शक्ति पीली साड़ी धारण करके कलश सर पर धारण करके उस कलश में नर्मदा जी का जल धारण किए हुए बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकालेंगे। 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त को सिमरिया मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है सिमरिया का, वहां पर कथा होगी। कथा का समय 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक है, दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक। इस कथा के लिए बहुत भव्य इंतजाम मारुति नंदन सेवा समिति ने किए हैं। सबसे पहली बात तो हम भक्त समुदाय से कहना चाहते हैं कि किसी पास किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। ये तो हरि कथा का, राम कथा का, उस दिव्य परमात्मा की कथा का बुलावा है। इसमें कोई पास नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं, और सभी लोग इसमें आ सकते हैं। मणिपुर में पिछले 3 महीने से हिंसक घटनाएं जारी हैं। यहां पर 2 समुदायों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इस हिंसक प्रदर्शन में महिलाओं के साथ भी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। इसके विरोध में आज एससी एसटी और ओबीसी सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर रानी दुर्गावती चौक से कैंडल मार्च निकाला, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचा, जहां मणिपुर की घटना का सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर विरोध करते हुए केंद्र सरकार से यहां पर होने वाले हिंसक प्रदर्शन को तत्काल रोकने की मांग की। विगत 3 माह में लगातार जो मणिपुर की घटना चल रही है, आज सभी संगठनों के माध्यम से आज छिंदवाड़ा जिले में कजरी चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक एक कैंडल मार्च किया गया है, मौन रैली की गई है। और शासन प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार की विध्वंसक घटना मणिपुर में चल रही है, उसे तत्काल रोक लगाई जाए। शासन प्रशासन को आगाह करने की नज़र से आज मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम शासन से, राज्य शासन से, केंद्र शासन से, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, सभी प्रशासन के अंग से हम विनम्र अपील करते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के ऊपर पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में हो रहे अत्याचार में लगाम लगाया जाए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसक घटना के विरोध में आज जिला महिला कांग्रेस के द्वारा राजीव भवन से विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने बताया कि मणिपुर के हिंसा के विरोध में उनके द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा में जो अनदेखी की गई है, इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। यहां पर महिलाओं के साथ हिंसक और शर्मनाक घटनाएं की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दो महिलाओं को निर्वस्त करके रोड पे चलाया गया, उनके साथ में बदतमीजियां की, बहुत गंदे तरीके से उन्हें छुआ गया। मोदी जी कहते हैं बड़े प्रधानमंत्री बने बैठे हुए और कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कैसे हो रही है महिलाओं की सुरक्षा, कैसे बेटियों की सुरक्षा हो रही है? आए दिन उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मार डाला जा रहा है, लेकिन उनके जो आरोपी है उनको सजा नहीं मिल रही। आखिर क्यों उनका सहयोग किया जा रहा है? कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
रेलवे से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक मंच DRM के नाम ज्ञापन सौंपेगा। इस संबंध में आज वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी रणनीति और कार्य योजना को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। रेलवे को आगामी दिनों में हमको ज्ञापन सौंपना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक शौचालय जो है वो है नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं है और इससे यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जो नैनपुर से ट्रेन आती है और उसके पहले ही पेचवेली ट्रेन छूट जाती है, जिससे कि जो यात्री भोपाल की ओर जाना चाहते हैं वो उनको उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता और परेशान हो जाते हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी कि नैनपुर से जो आने वाली ट्रेन है उसके बाद पेचवेली ट्रेन जो है तो छोड़ी जाए, और साथ ही जो नैनपुर वाली ट्रेन यहाँ छिंदवाड़ा 12 बजे दोपहर में आ जाती है वह पुनः नैनपुर तक एक फेरा लगा करके वापस छिंदवाड़ा आए, ताकि यात्रियों की सुविधा का विस्तारीकरण हो सके। मेडिकल कॉलेज में पदस्थ आउटसोर्स UDS कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन का भुगतान नियमित किए जाने की मांग को लेकर UDF के कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर GB रामटेके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ये सैलरी का इश्यू है, सैलरी 2 मंथ से नहीं हुई है। बाकी सैलरी ये आउटसोर्स UDS कंपनी तरफ से। कितनी सैलरी? 2 सैलरी बाकी है, ये तीसरा रनिंग चल रहा है। लगभग कितने कर्मचारी? 135। ये जो एम्प्लॉयज़ है इनका पेमेंट हाइट्स करती है, हमारे अंडर में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, हम खाली हाइट्स से कोऑर्डिनेशन रहता है। अब हाइट्स का पेमेंट हमारी तरफ से होता है, लेकिन मेरे जैसे ही मेरे सीनियर की तरफ से भोपाल की तरफ से हमारे पास जब जब पेमेंट आते हैं हम अपने हाइट्स को दे देते हैं, हाइट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, वो चाहे डायरेक्ट करें UDS के थ्रू करें, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करूँगा और बेस्ट जो करने की कोशिश करूँगा, और 4 लोग को बात करनी है, लेटर लिखना है तो मैं कर दूँगा, ताकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।